जय माता जी। आई एम अर्दयाल सिंह भाटी। माई फर्स्ट एनकाउंटर विद दिस मैग्निफिकेंट ब्यूटीफुल मारवाड़ी हॉर्सेस व्हेन आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। व्हेन एवर आई सी दिस ब्यूटीफुल हॉर्सेस आई गॉट अ स्पार्क इन माई आईज़। यू नो, एक अलग ही चमक आती है मेरी आंखों में। हाई, माई सेल्फ रिपुदमन सिंह भाटी। आई गॉट दिस हॉर्स एडिक्शन व्हेन आई वॉज 12। और मैं बता दूँ आपको कि ये एक लाइलाज बीमारी, एक बार लग गई मीन्स इट विल रिमेन विद यू अंटिल यू आर अलाइव। Whenever I travel through countryside and any horse passes, I will definitely stare him until it disappears. And that type of addiction I have, and I feel myself lucky that I got this horse addiction. Jai Ma Karni, myself Yashwardhan Singh Sandhu, and I'm love with these horses from past 5 to 6 years, and I'm also attending the horse house on my regular basis. जो चीज इन घोड़ों की तरफ मुझे आकर्षित करती है, वो है इनकी सुंदरता। Extremely beautiful these horses. My father always supports me and increase me on this Marwari horse field. Jai Mata Ji Sahab, myself Raj Karan Singh Sonigra. घोड़ों के प्रति मेरा लगाव बचपन से ही है, क्योंकि मैं घोड़ों के बीच ही पल पड़ा हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से सबसे पहली चीज जो मैंने चलाई है वो खिलौना या कोई साइकिल नहीं बल्कि घोड़ा था। जय श्री कृष्ण, राम राम। मैं हूँ युवराज सिंह भाटी एंड आई लव हॉर्सेज। आई एम ऑन हॉर्सबैक सिंस 2016। और मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिनका घोड़ों के साथ रिश्ता बहुत पुराना है, और खासकर इन मारवाड़ी घोड़ों के साथ। माई फादर वॉज ए ग्रेट हॉर्समैन एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक हिम, एंड आई थिंक माई लव फॉर दिस अमेजिंग क्रीचर्स इज इन माई DNA। डॉक्टर अजीत सिंह राव नारलाई से हूँ। यह हमारा जोधा स्टड है जो कि पाली जिले के सोनाना खेतला जी में स्थित है। हमारे पास मारवाड़ी घोड़ों का एक अच्छा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। मैं पिछली 8 पीढ़ी से इस कार्य में संलग्न हूँ। मेरी ये 8वीं पीढ़ी है जो हम घोड़ों का काम कर रहे हैं। हमारे पास में सिर्फ मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं, जो कि हमारी खुद की एक इंडिजिनस देसी ब्रीड है। और ये घोड़े हमारे पास में लंबे समय से ब्रीडिंग और कई कामों में उपयोग में लिए जाते हैं। मारवाड़ और मारवाड़ी, इनका एक बहुत बड़ा सामंजस्य है, क्योंकि ये ब्रीड जिसको कभी देसी घोड़ा, कभी मालाणी घोड़ा, और कभी धीरे धीरे कालांतर में बदलते बदलते इसको मारवाड़ी घोड़ा कहा गया है।
को निकलने दूंगा। मारवाड़ी घोड़ा जो कि इतिहास में कई स्वर्णिम पन्नों पर साक्षी रहा है और हमें कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें यह घोड़ा कई युद्धों में और कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपनी साक्ष्य और उपस्थिति दर्ज करवाता है। कहा भी गया है कि राखे पत असवाररी कुलब की पहचान धरा धनीरे कारणे प्राण दिए के का। इस घोड़े ने इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए और अपने मालिक के लिए, अपनी स्वामी भक्ति का उदाहरण देने के लिए कई बार अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ये भले ही एक रेगिस्तानी क्षेत्र का घोड़ा है पर इसके अनुकूलन की क्षमता बाकी घोड़ों से काफी अच्छी है। यह घोड़ा थार के रेगिस्तान से लेकर अरावली के पहाड़ों तक, चंबल के बीड़ों से लेकर नदियों के मैदानी हिस्सों तक हर इलाके में अपने आप को ढालने में समर्थ है और आज के समय में जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में भी यह घोड़ा पाला जा रहा है। मारवाड़ी घोड़ा अपनी आकर्षक कदकाठी और सुंदर नुकीले घुमावदार कानों के लिए प्रसिद्ध है। इन सबके साथ अगर घोड़े की शारीरिक क्षमता और इन सब का आकलन करें तो एक और जो बहुत ही प्रसिद्ध कार्य क्षेत्र है वो है विवाह एवं शादी के शुभ मांगलिक अवसर पर घोड़े की मौजूदगी। और इस मौजूदगी में कई बार हम देखते हैं कि घोड़े के द्वारा जो परफॉर्मेंस होती है, जो प्रस्तुति है नृत्य की, वो है वास्तव में जिसे हम नृत्य कहते हैं वो पुराने जमाने में युद्ध के समय घोड़े को प्रशिक्षित करके उसके द्वारा कुछ स्टेप्स डिसाइड किए जाते थे। सीधी भाषा में अपन इनको ड्रेसाज इन हैंड भी कहेंगे जो कि घोड़े की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। और युद्ध में जब घोड़ा अपनी एक बड़ी छलांग, अपना जंप और अपने स्टेप्स लगाता था, उससे कई बार वो शत्रुओं पर इतना प्रभाव छोड़ता था कि जो पैदल सिपाही होते सैकड़ों और हजारों की संख्या में वो भाग जाते थे। इसलिए वो जो नृत्य के स्टेप है वो आज के समय में सिर्फ विवाह और शादी की शुभ मंगल पर प्रासंगिक हो गए हैं, बाकी उनका वास्तविक उपयोग उस समय युद्ध का है। अपने मारवाड़ी में कहावत है, खेसरियो बागो भलो, कपड़ो भलो सफेद, हकड़ तो दातार भला, घोड़ो भलो कुमे। घोड़ा और राजपूत, ये एक ऐसा समन्वय है जो कि हमें कई सदियों से दिखाई दे रहा है। राजपूत का संबंध घोड़े से और घोड़े का संबंध राजपूत से वर्षों का रहा है। ऐसा कई बार सुनते हैं कि घोड़ा अर्थात अश्वदर्शन ही क्षत्रियत्व एवं राजपूत की पहचान है। कहते भी है कि घोड़ो जोड़ो बागड़ी पर मूछा तड़ी मरो या चारों ही राखी को रजपूत।
The reason for starting this club is to be want to motivate youngsters and teenagers to take interest in horses. It is a good hobby. और हमारे ग्रुप का नाम द वॉर हॉर्स राइडर्स रखने का कारण ये था कि इस मारवाड़ी घोड़े के लिए द वॉर हॉर्स से अच्छा पर्यायवाची और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज कई सालों से युद्ध में करते आए हैं। और मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोग इस मारवाड़ी घोड़ों की तरफ ध्यान देंगे, इनमें इंटरेस्ट लेंगे, उतना ही इस नस्ल का सुधार होगा। और आप देखिए कि आज ये हो भी रहा है। हमारी कई पीढ़ियों से मारवाड़ का ये घोड़ा, जो मारवाड़ की अमूल्य निधि है, अमूल्य धरोहर है, जिसका संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। हमें खुशी है कि हमारे गोड़वार क्षेत्र में द वार हॉर्स राइडर्स ग्रुप है। इसके सभी मेंबर्स जो कि अश्व प्रेमी है, हॉर्स लवर्स है, जिनको घुड़सवारी से प्यार है, और हमारे क्षेत्र की ही नहीं और भी कई जगह पर मारवाड़ी घोड़ों से संबंधित सभी हॉर्स शो, सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं और हमें सहयोग प्रदान करते हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और नई पीढ़ी से ये अनुरोध करूँगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस अश्व संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण समय दें। Thank you.